आपके अपने चैनल लकी डिशियन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल। पन्ना होम नेटवर्क आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि घर पर ही रहें। घर पर रहकर कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ा जा सकता है। पन्ना कलेक्टर ने कहा, एक भी संक्रमित मिला तो पन्ना में लगेगा कर्फ्यू। बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए गए। जिले में अभी तक करीब 5,000 लोगों के आने की संभावना है। बाहर से आ रहे लोगों से संक्रमण का खतरा भी बढ़ा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताई सारी प्राथमिकताएं। पन्ना में आज तक कोरोना का कोई भी संक्रमित मामला नहीं है। अभी तक हुए कोरोना संक्रमण की जांच में सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अब जिले में खतरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह अन्य राज्यों में फंसे लोग हैं जो वापस घर आ रहे हैं। इन लोगों को वापस अपने घर पहुँचाने के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले लोग मुसीबत बन सकते हैं। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए आज जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संकट के दौरान की गई कार्रवाइयों और बचाव हेतु किए गए उपायों के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर करमवीर शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी तरह की कवायद की जा रही है। संकट में फंसे लोगों को उनके घर पहुँचाने और बाहर से फंसे पन्ना के लोगों को वापस लाने की कवायद इन दोनों तेजी से हो रही है। फिलहाल पन्ना जिले में कोई कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आया है, इसलिए कुछ छूट शासन के नियमानुसार दी गई है। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में किसी भी जानकारी या आशंकाओं को दूर करने के लिए लोगों से SDM से संपर्क स्थापित करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि SDM पन्ना लगातार शासन के नियमों के मुताबिक जरूरी पास और अनुमतियाँ प्रदान कर रहे हैं, उन्हें ही इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। ई पास को लेकर हो रही समस्याओं को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ई पास उन्हें ही जारी किया जा रहा है जिसमें यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई हो या कोई मेडिकल कारण हो। मेडिकल कारण में BMO या सिविल सर्जन का रेफर जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अन्य राज्यों में फंसे पति पत्नी को निजी वाहन से लाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। हालांकि यह अनुमति राज्य के अन्य जिलों के लिए भी अभी लागू नहीं है। इसके अलावा अन्य कारणों से कोई ई पास जारी नहीं होगा। कर्मवीर शर्मा ने स्पष्ट किया कि पन्ना फिलहाल ग्रीन जोन में है। अब केंद्र सरकार ने लोगों को उनके घरों में वापस भेजने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन करने को कहा है। ऐसे में पन्ना जिले में आने वाले दिनों में करीब 5,000 के करीब लोग आ सकते हैं। ऐसे में जिले की सीमा पर ही उन्हें मेडिकल स्क्रीनिंग कर उन्हें उनके घरों में क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि कोई लक्षण बीमारी के होंगे तो क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें रखा जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए उनके पास पूरी मेडिकल क्षमताएं हैं। किसी उपकरण PPE किट या अन्य दवाओं की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर पन्ना ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के कारण यदि एक भी संक्रमित मामला पन्ना में आया तो तत्काल कर्फ्यू लगाया जाएगा, सारी छुट्टी बंद हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने ऐसी परिस्थितियों से निपटने की पूरी तैयारियां की हैं। संक्रमित क्षेत्र में सैनिटाइजेशन से लेकर कंटेनमेंट क्षेत्र में होम डिलीवरी शासकीय कर्मचारियों की निगरानी में कराने की तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। हमें किसी भी परिस्थितियों में डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी मेहनत से 18 घंटे काम कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर करमवीर शर्मा के साथ पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, डॉक्टर LK तिवारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं डॉक्टर RS त्रिपाठी सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। कलेक्टर पन्ना ने संभावना जताई कि बाहर से आने वाले लोग जब गांव में जाएंगे तो वे घर पर ही रहें और अपने क्वारंटाइन की अवधि को पूरा करें बिना किसी से मेल मिलाप के। ऐसे में लोगों की बड़ी भूमिका होगी। यदि कोई क्वारंटाइन व्यक्ति बाहर निकलता है तो इसकी सूचना लोग तत्काल प्रशासन को दें। यदि जीवन का सवाल है, इसमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को एकजुट होकर ऐसी परिस्थितियों का विरोध करना होगा। कोई बिना सूचना अपने घर पहुंचा है तो पड़ोसी की जिम्मेदारी है कि वह उसे समझाइश दे और प्रशासन को तत्काल सूचित करें। सभी के सामूहिक प्रयास से ही हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब सबकी जान जोखिम में है, किसी से डरने या उसके रसूख को देखने की ज़रूरत नहीं है। नाम गुप्त रखकर भी सूचनाएँ दी जा सकती हैं। सर, संक्रमण को देखते हुए आगे क्या तैयारियाँ की हैं पन्ना जिले के लिए? देखिए, अभी तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से और पुलिस दृष्टिकोण से और मीडिया के हमारे साथियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से अभी तक पन्ना जिला कोविड फ्री है और यहाँ पर कोई भी अभी पॉजिटिव केस आज दिनांक तक नहीं है। लेकिन अभी
मजदूरों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है, जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं वो यहाँ आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग करके हम होम आइसोलेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। तो आगे और सतर्कता रखने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में डिस्टेंस बना रहे और हम उनको होम आइसोलेशन पूरी जाँच के पश्चात करवा रहे हैं। आपके माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको होम आइसोलेट करते हैं, तो होम आइसोलेशन के दौरान उन पर नज़र रखें और यदि किसी प्रकार का वायलेशन होता है तो नियरेस्ट जो सरकारी अधिकारी है उसको सूचित करें। सर, बाहर कुछ मजदूर फंसे उन्हें सहायता भी पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की थी 17 तारीख को, उसके पश्चात लगभग 5,700 लोगों को हम लोगों ने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता अभी हमने पहुंचाई, जिसमें हमने उनसे संपर्क किया, उनके मोबाइल नंबर, उनके अकाउंट नंबर हमने लिए, कहां कहां पर लोग हैं ऐसे फंसे हुए थे उनकी जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार से लगभग 16 राज्यों के 62 जिलों में लगभग 5,700 लोगों को हमने चिन्हित किया था जो हमारे पन्ना जिले के हैं, और उनके खाते में हम 1,000 रुपये डाल चुके हैं। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने कहा कि सूचनाएँ मिल रही हैं कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई उसके अलावा कुछ लोग दुकानें खोले हुए हैं, ऐसे में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अवैध शराब के मामले पर उन्हें लोगों से गुप्त सूचनाएं देने को कहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शराब बिक्री की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई होगी, शराब दुकानों के स्टॉक को चेक कर पुनः जाँच करेंगे। मंडला थाना प्रभारी द्वारा लोगों से की जा रही अभद्रता के मामले में उन्होंने शिकायत मिलने पर जाँच की बात कही। मयंक अवस्थी ने कहा कि इस दौर में सबको समन्वयक बनाकर काम करना है, हम हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा CMHO डॉक्टर LK तिवारी ने बताया कि हमारे पास सभी मेडिकल उपकरण व दवाएं उपलब्ध हैं, हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं। दवाओं के लिए मेडिकल स्टोर चिन्हित हैं, बाहर से भी दवाएं मंगवाने की व्यवस्था की जा रही है, कोई परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबरों या उनसे संपर्क किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुआ ठगी का खेल, लोगों की प्रोफाइल हैक कर पहचान वालों से मंगाए जा रहे पैसे, सतर्क रहने की लोगों से अपील। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लोगों की प्रोफाइल को हैक कर उनके ही पहचान के लोगों को कोरोना संकट में मदद के लिए पैसे की मांग की जा रही है। ऐसे मैसेज किसी को भी मिल सकते हैं जिसके कोई जान पहचान का व्यक्ति अनिवार्य आवश्यकता के लिए 5 से 25 हज़ार रुपये की तत्काल मांग करता है। सामान्य तौर पर कोरोना के दौरान 1 माह के लॉकडाउन के चलते उसकी बातों पर सहज विश्वास भी हो जाता है। यह तरीका है साइबर अपराधियों ने नया निकाला हुआ है, जिससे वे लोगों को ठग रहे हैं। पन्ना में भी इस तरह का मामला सामने आया। कांग्रेस नेता व NSUI के जिलाध्यक्ष मृगेश जय सिंह गहरवार के नाम से बनी फेसबुक ID को अज्ञात लोगों को हैक कर दिया। उसके बाद कई रिश्तेदारों व परिचित व्यक्तियों को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से मैसेज भेजकर पैसे की मांग की गई। उप व्यक्ति ने एक अकाउंट नंबर जो कि सुरेंद्र राजपूत के नाम से पैसे भेजने को कहा गया। इस पर मृगेंद्र के परिचितों को शंका हुई और उन्होंने मोबाइल से संपर्क कर उन्हें सूचना दी। इसके बाद मृगेंद्र ने जब अपनी प्रोफाइल खोलनी चाहिए तो उनके पासवर्ड से खुल नहीं रही थी। इसके बाद उन्होंने पासवर्ड रीसेट किया, जब जाकर इस तरह के मैसेज बंद हुए। उक्त व्यक्ति द्वारा कई लोगों को इस तरह के संदेश भेजे गए थे, जिनसे संपर्क करने पर पता चला कि किसी ने उसे पैसे नहीं दिए। फिर भी साइबर ठगी से जुड़े इस मामले की मृगेंद्र सिंह ने तत्काल पुलिस से शिकायत की और मामले पर जांच कराने हेतु कोतवाली में आवेदन दिया। गौरतलब है कि शहर में कई अन्य लोगों के साथ कुछ भी इसी प्रकार का हुआ है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अधिकांश इसके शिकार वे लोग हुए हैं जिनके प्रोफाइल के पासवर्ड या तो उनके मोबाइल नंबर हैं या डेट ऑफ बर्थ, इसलिए अपने पासवर्ड का स्पेशल सेट करें ताकि इस तरह के अपराधों से बच सकें। मजदूर दिवस पर श्रमिकों के बीच पहुंचकर की गई मदद। यूसुफ बेग ने कहा, श्रम कानून मानकों के अनुसार हो मनरेगा की मजदूरी। पत्थर खदान मजदूर संगठन के बैनर तले मजदूर नेता यूसुफ बेग के नेतृत्व में मजदूर दिवस हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मजदूर सम्मेलन के रूप में मनाया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोविड महामारी के कारण नहीं मना पा रहे हैं। इस दिन का इंतजार मजदूर बड़े उत्साह के साथ करते थे। इस दिन वह अपने सुख दुख आपस में बांटते थे, लेकिन इस बीमारी आपदा के कारण लाखों मजदूर आज भी अपने घरों से दूर देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और अपने घर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीमारी से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन तालाबंदी की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बनाए जाने के लिए मजदूरों का रोजगार छिन गया है, जिससे इन मजदूरों की आजीविका का संकट पैदा हो गया है। हालांकि सरकार के द्वारा मनरेगा के काम खोले जा रहे हैं। समाज सेवी यूसुफ बेग ने अपील की है कि हम
भले ही साथ मिलकर इकट्ठा होकर मजदूर दिवस न मना पा रहे हों, लेकिन इस आपदा की घड़ी में हमें इस संकट से एकजुट होकर इस संकट से निपटना है और शारीरिक दूरी बनाते हुए एक दूसरे का ध्यान भी रखना है कि हमारा कोई भी मजदूर भूखा न रहे। थाना प्रभारी दिव्य नगर द्वारा कोरोना सॉन्ग गाकर कोरोना वर्जिस को प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं को दिया कोरोना को धोने का संदेश। जिले के दिव्य नगर थाना में इन दिनों दिव्य नगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा अपने कोरोना योद्धाओं व युवा स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए नित नए कोरोना वायरस पर आधारित गाना गाकर प्रेरित कर रहे हैं। उनके द्वारा एक प्यार का नगमा है व कोरोना को धोना है जैसे गाना गाकर एक नई मिसाल पेश की है। थाना प्रभारी व उनका स्टाफ की इस कार्यशैली में नगर की जनता द्वारा उनकी प्रशंसा व पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन कर रही है। साथ ही 24 घंटे इन कोरोना योद्धाओं के लिए जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं इन पुलिस योद्धाओं को धन्यवाद भी दे रही है। हम साथ हैं एक साथ हैं, ओ फासले कितने भी दिल तो पास है। ना घबराएंगे ना डर जाएंगे, जीत हम जाएंगे ये विश्वास है। क्योंकि कोरोना को धोना है, कोरोना को हाजी कोरोना को बिल्कुल कोरोना को धोना है, कोरोना को धोना है। कोरोना तू क्या मारेगा हमें, खुद तेरी है मौत आई। कर दी गलती तूने छेड़ के हर भारतवासी से लड़ाई। अब तू खुद ही मरेगा जब केमिकल में तू सड़ेगा। अब हर एक इंडियन हाथ धो के खुद को साफ करेगा। पूरा इंडिया एक ही साथ है, फिर डरने की क्या बात है। लड़ लेंगे ऐसे कोरोना की के पूरा वर्ल्ड कहेगा क्या बात है इंडियन की क्या बात है। रखेंगे सबको सुरक्षित, गीत ये गाएंगे
हम बचेंगे तुम, हम बचेंगे खुद भी दुनिया को बचाएंगे, रखेंगे सब कुछ सुरक्षित, गीत ये गाएंगे, हम बचेंगे खुद भी दुनिया को बचाएंगे, क्योंकि कोरोना को धोना है, कोरोना को आदि, कोरोना को उपल, कोरोना को धोना है, कोरोना को धोना है, कोरोना को धोना है, जय हिंद। चार तनगमा है हम सबने ये ठाना है, एक प्यार का नगमा है हम सबने ये ठाना है, मिलके अब हमको कोरोना को हराना है, सबने ये खाना है, मिलके अब हमको कोरोना को हराना है, एक प्यार का नगमा है। रक्षा करते हुए औरों को बचाना है, सैनिटाइजर लगाना है, हाथ धोते ही जाना है, मिलके अब हमको कोरोना को भगाना है, प्यार का नगमा है। करते हुए औरों को बचाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, मिलके अब हमको कोरोना को हराना है, प्यार का नगमा है। चला जाना है, बादल है कुछ पल का, छ
खाकर ढल जाना है, सैनिटाइजर लगाना है, हाथ धोते ही जाना है। मिलके अब हमको कोरोना को हराना है, हम सब ने ये ठाना है। मिलके अब हमको कोरोना को हराना है। इक्कीस लोगों के खिलाफ फिर हुई लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज। एक मोटरसाइकिल जब्त, 21 वाहनों पर की गई चलानी कार्रवाई। बिना किसी कारण घर के बाहर घूमते पाए जाने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके बेवजह घूमने वालों की कोई कमी नहीं। आज दिनांक 1 मई को जिले के अलग अलग थानों में कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें से थाना देवेंद्रनगर में 1 व्यक्ति के विरुद्ध 1 प्रकरण कायम किया गया। थाना अजयगढ़ में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध 4 प्रकरण कायम किए गए। थाना पवई में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 3 प्रकरण कायम किए गए। थाना सहानगर में 8 व्यक्तियों के विरुद्ध 1 प्रकरण कायम किया गया। थाना रेपरा में 1 वाहन के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलानी कार्रवाई की गई। थाना सिमरिया में 1 व्यक्ति के विरुद्ध 1 प्रकरण कायम किया, 1 मोटरसाइकिल वाहन जब्त किया गया। थाना सलेहा में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध 3 प्रकरण कायम किए, 9 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलानी कार्रवाई की गई। थाना यातायात द्वारा 11 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलानी कार्रवाई की गई। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी देवेंद्रनगर, थाना प्रभारी अजयगढ़, थाना प्रभारी पवई, थाना प्रभारी सहानगर, थाना प्रभारी रेपुरा, थाना प्रभारी सिमरिया, थाना प्रभारी सलेहा, थाना प्रभारी यातायात एवं उनके हमराही पुलिस बल का विशेष योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा सभी थाना प्रभारियों को धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आमजन के सहयोग हेतु कंट्रोल रूम स्थापित। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के कारण लॉकडाउन की घोषणा होने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को लाने की व्यवस्था के संबंध में आमजन के सहयोग हेतु जिला स्तर पर अपर कलेक्टर कार्यालय नवीन कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। अपर कलेक्टर जेपी दुबे ने कंट्रोल रूम का प्रभारी सुशील कुमार तोमर, अधीक्षक भूल अभिलेख जिला पन्ना को बनाया गया। मध्य प्रदेश के अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों के संबंध में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष 077-32-253-650 है तथा अधीक्षक भू अभिलेख प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 7587968331 है। उन्होंने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के सुचारू संचालन हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कंट्रोल रूम में प्राप्त सूचनाओं को ड्यूटी में तैनात कर्मचारी अधीक्षक भू अभिलेख को अवगत कराएंगे। अधीक्षक भू अभिलेख सूचनाओं का परीक्षण कर इस कार्यालय को अवगत कराएंगे तथा संधारित पंजी का निरीक्षण कर कंट्रोल रूम की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। अब तक 5,824 श्रमिकों के बैंक खातों में राशि स्थानांतरित। वर्तमान में फैली कोविड-19 महामारी के कारण जिले के श्रमिक राज्य से बाहर 13 राज्यों के बाहर जिलों में फंसे लगभग 7,000 श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय से निरंतर कार्रवाई की जा रही है। श्रमिकों के बैंक खातों में यह राशि अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत भेजी जा रही है। अब तक जिले के अंतर प्रवासी 5,824 श्रमिकों को राशि भेजी जा चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा इन अंतर प्रवासी श्रमिकों के लिए अन्य राज्यों में फंसे होने की जानकारी एकत्र कर इन श्रमिकों को भोजन एवं आवास की व्यवस्था पूर्व से ही संबंधित राज्यों एवं जिले के अधिकारियों से बात कर की गई। इन्हीं श्रमिकों को अब आर्थिक मदद पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस तरह के श्रमिक दूरभाष क्रमांक 104 एवं 181 सीएम हेल्पलाइन पर अपनी जानकारी दर्ज कराते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर स्थापित जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 077-32-253-262, व्हाट्सएप नंबर 94-259-62-024 एवं मोबाइल नंबर 94-253-83-782 के माध्यम से रात दिन दर्ज की जाती है। इस कंट्रोल रूम को 24 घंटे सातों दिन बिना रोके चालू रखने के लिए 120 लोगों को 3 शिफ्टिंग में लगाया गया है। यह लोग जानकारी प्राप्त कर पंजीवत करने का कार्य करते हैं। इसके उपरांत इसकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने की कार्यवाही की जा रही है। पेंशनर महासंघ द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में दी सहायता राशि।
जिले के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ की जिला इकाई द्वारा अपर कलेक्टर जेबी दुबे को प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 11,000 रुपये का चेक सौंपा। यह राशि कोविड-19 से संक्रमित की सहायता के लिए सौंपी गई है। राशि का चेक प्रांतीय कार्यवाहक बीएल शर्मा एवं जिलाध्यक्ष ओपी चौबे द्वारा सौंपी गई। मिठाई की दुकानों पर कार्यवाही, नगरीय प्रशासन की टीम ने मिष्ठान दुकानों पर की कार्यवाही, पुरानी मिठाइयां मिलने पर कार्यवाही कर किया गया नष्ट। दुकानों से मिष्ठान न बेचने की दी गई हिदायत। कोरोना वायरस के चलते समूचे देश व प्रदेश लॉकडाउन में बंद है और शासन के निर्देशानुसार होटल, मिष्ठान भंडार, चाय दुकान इत्यादि दुकानों को बंद करने के आदेश संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ मिष्ठान भंडार के संचालन लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए चोरी छुपे पुरानी मावा की मिठाइयां बेच रहे हैं। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के आदेश नगरीय प्रशासन को दिए और आज शाम शहर के मिष्ठान भंडारों को नगरीय प्रशासन की टीम ने दुकान संचालन को बुलाकर मिष्ठान भंडार खुलवाए, जिसमें पाया गया कि कुछ मात्रा में पुरानी मिठाइयां दुकान में रखी हैं, जिसके बाद पुरानी मावा की मिठाइयों को नष्ट करवाया गया और संचालकों को हिदायत दी गई कि मिष्ठान भंडार से किसी प्रकार की मिठाइयां नहीं बेची जाए। की जा रही है होटलों में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद है। मीठा की दुकानों विशेष कर लेते पदार्थ है तो वो नष्ट हो चुका है। कई दुकानदार रखे ना हो और उनको खाने से किसी जानवर को या किसी को भी कोई क्षति ना हो, इसलिए उनको चेक करके देख लो आगे उसको नष्ट कराने के लिए अब हम सारा प्रयास कर रहे हैं। सर कहाँ कहाँ अभी नष्ट करवा? अभी जो है एक दुकान है डॉक्टर मोदी के पास, नगर पालिका के पास, वहाँ इसके बाद जो है बंदेव सिंह के पास आए तो वहाँ जो है कोई खराब मिठाई मिला। इस तरह से अभी देखते हुए जो भी दुकान है सभी को देखेंगे और जिनमें खराब सामग्री है उनको नष्ट कराएंगे। मिष्ठान दुकानदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मिष्ठान दुकानदारों को यही संदेश है कि ये पुराना मीठा वगैरह रखता है तो वो दुकान को नष्ट करने के लिए सहयोग कर दें ताकि उससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आदि ना हो। ये कार्रवाई इस पर कार्रवाई की जा रही है सर? एक जो है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा इस तरह के निर्देश प्रदान किए गए और ये जनहित की कार्रवाई है तो सौतेला से भी जो की जा सकती है निरंतर जारी रहेगी नगर पालिका द्वारा। सर आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। थैंक यू।